किसानों ने जिन 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर लिया है उस पर सवाल होने खड़े होने लगे हैं। बीजेपी ने पूछा है कि 2 करोड़ किसानों का साइन आखिर कैसे और कहां से लिया गया। राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे, साथ में प्रियंका थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी आए थे। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल ने संसद का सत्र बुलाकर नए कानूनों को वापस लेने की बात कही। ऐलान पहले से हो चुका था कि कांग्रेस 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ आई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद इस पर जोर दे रहे थे कि पता चले देश को मालूम हो कि कांग्रेस ऐसे ही अपना समूह बनाकर अपनों के साथ मिलकर नहीं आई है, उसे देश के 2 करोड़ किसानों का समर्थन हासिल है। लेकिन ये बात बीजेपी नहीं पचा पा रही। वो साफ कह रही है कि हमने तो दूर से, धीरे से या जोर से कहीं और कभी भी नहीं सुना कि कांग्रेस किसानों के पास गई थी, तो ये 2 करोड़ सिग्नेचर कहां से ले आई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिग्नेचर पर भी फर्जीवाड़ा कर रही है। और 2 करोड़ किसान से मिल लिए, सिग्नेचर ले आए। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी। ज्ञापन राष्ट्रपति के पास है और सिग्नेचर के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी बवाल काट रहे हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।